हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो है। स्कूल, कॉलेज या कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हैं, अगर हां तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो आपको सुननी ही चाहिए। क्यों सुननी चाहिए पता है? इसलिए क्योंकि आप अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करते हैं। इसीलिए अगर आपको भविष्य बताने वाला सही मेंटर मिल जाता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फ्यूचर को एनी केस बना सकते हो, अपने लक्ष्य को सही दिशा में ले जा सकते हो। आजकल बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस आ गई हैं इंटरनेट पर, आपको ढेरों मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगी। बस आपको एक वर्ड टाइप करना है, मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल। लेकिन वो सब मोटिवेशन केवल और केवल कुछ टाइम बाद अपने आप ही ब्लो अप हो जाता है, नीचे गिर जाता है। आप समझ नहीं पाओगे कि आपने अभी अभी वीडियो देखी थी, जस्ट 5 मिनट में आपको मोटिवेशन आया था, आप सोच रहे थे कि आप बहुत सारे काम कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन आप उन वीडियोस को 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग आपके पॉइंट पर नहीं जाते, वो लोग केवल और केवल आपको अपनी वीडियोस दिखाना चाहते हैं और उन वीडियोस के व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं। उनको बस यही चाहिए कि आप उनकी वीडियोस देखिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी आप तनाव में हो, चिंता में हो, तो आप उनके वीडियोस देखिए ताकि उनके व्यूज़ बढ़ेंगे। और ये बात सबसे बुरी है कि आप केवल और केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ मैं आपसे एक डीप कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ कि आप अपने आप को कैसे समझें, आपके लक्ष्य क्या हो, आपका आत्मविश्वास क्या हो, और साथ ही आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ये योग्यता नहीं कि आपने ये डिग्री प्राप्त कर ली या फिर वो डिग्री प्राप्त कर ली, आपने इतना अच्छे परसेंटेज ले आए, ये नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो केवल केवल आपका आत्मविश्वास, आपके लक्ष्यों के प्रति आपका समर्पण। आप सोचिए कि आपके लक्ष्य क्या होने चाहिए। आपका लक्ष्य ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आपका लक्ष्य सही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी कारण से आप अपने लक्ष्य से अगर पीछे रह जाते हैं तो ये केवल और केवल आपकी गलती ही होगी कि आपने सही लक्ष्य नहीं बनाया। क्यों? हमें लक्ष्य बनाने चाहिए, वैसे लक्ष्य जो हम प्राप्त कर सकें। कई लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनकी गलतियां रहती हैं। समथिंग छोटे छोटे हैबिट्स को सुधारने से हमें बहुत सारी अच्छी बातें मिल सकती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाने से हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें लक्ष्यों का चयन सही करना चाहिए। जो लक्ष्य हमारे लिए हैं उन्हें ही अपने लिए निर्धारित करें और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। फर्स्ट चीज़ आती है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, क्योंकि अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने ये नहीं सोचा कि आप मैथ में कितने परसेंट से पास हो सकते हो, आप ये सोच रहे हो कि बस मैं पास हो जाऊँ। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर पास होना चाहते हो, आप अगर बहुत अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो, तो आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको क्रिएटिव बनना होगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी, और आपको कंसिस्टेंट बनना होगा, आपको प्रोडक्टिव बनना होगा, तब जाकर आप नियमित अपना दिनचर्या को फॉलो कर सकते हो, आप कंसिस्टेंट बन सकते हो। बिना कंसिस्टेंट बने आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर आप एक चीज़ को बार बार करते हो तो आपको अपने आप वो चीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से आने लगती है।